मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच की जाए। खबर सिडकुल के नवोदय नगर से है, जहां आपको बताते चले कि सिर्फ पंडित जी डेयरी वाले ही नहीं बल्कि नवोदय नगर में हर 10 कदम पर डेयरी की दुकानों में दूध, पनीर, मट्ठा, घी, मावा बिक रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज तक नवोदय नगर में किसी भी डेयरी का निरीक्षण नहीं किया गया। डेयरी में बिकने वाले पनीर, मट्ठा, घी, मावा का सैंपल भी नहीं लिया गया, जबकि मिलावटी खोरी के चलते लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। इस बात से खाद्य सुरक्षा विभाग बेफिक्र होकर चैन की नींद सो रहा है। सोचने वाली बात तो यह है कि नवोदय नगर से जिला मुख्यालय की दूरी ज्यादा नहीं है, फिर भी झोला छाप डॉक्टरों का फर्जीवाड़ा हो रहा और फिर मेडिकल स्टोर हो, जांच के लिए किसी भी जिम्मेदार के पास समय नहीं है। नवोदय नगर जिला प्रशासन द्वारा उपेक्षा का शिकार होने के कारण तमाम अनियमितताओं के चलते स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से समस्याओं से घिरा हुआ है। नवोदय नगर के जिम्मेदार बुद्धिजीवियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही नवोदय नगर में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। उत्तराखंड से रणवीर कुमार की रिपोर्ट।